एक्टिविटीज में हम चले जाते, स्ट्रेसफुल लाइफ अपनाते, सेरेब्रल स्ट्रेस टेंशन ज़्यादा, जिनका लाइफस्टाइल ऐसा बन जाता, बिल्कुल नींद ही नहीं होता, इंसोम्निया की प्रॉब्लम आ जाता। ये क्यों होता? अपना पिट्यूटरी के एरिया में मेडिकल साइंस में बताते हैं कि एक प्रकार के रस का सीक्रेशन होता जो कि नशा देता है, उसी से नींद बच्चे में ज़्यादा होता है और उम्र बढ़ने के साथ साथ वो घटने लगता है। लेकिन सेरेब्रल स्ट्रेस टेंशन जिनका ज़्यादा होता, वो सेंटर ही पूरा बंद होता है। इसलिए हम वर्क फील्ड से पूरा विश्राम की तड़प लेके, प्यास लेके घर को तो आते और बेडरूम को भी बहुत सजावट करके रखते, जहाँ मच्छर ना आए, फटमल ना लगे, ऐसा बाहर का कोई आवाज़ भी हमको हमारा नींद को ना तोड़े, ऐसा पूरा साउंड प्रूफ करके और पूरा फुल व्यवस्थित ढंग से हम करते। लेकिन बेड पर लेट तो जाते लेकिन नींद नहीं होता, करवट बदलते रहते, ये देखने मिलता। और नींद लाने के लिए हम टैबलेट हो, ड्रग हो, कुछ मेडिसिन का यूज करते हैं और जिस डोज से शुरू करते वो डोज भी कुछ दिन के बाद काम नहीं करता, पोटेंसी बढ़ा के लेना पड़ता और वो खास करके अपना नर्वस सिस्टम में डिस्टर्बेंस ले जाता है, इसका साइड इफेक्ट से ज़्यादा करके ये होता है। तो जो नेचुरल निद्रा में जो स्वाद है वो निद्रा मैंने जो आर्टिफिशियली मेडिसिन इस्तेमाल करके हम जो करते हैं और उसी में एक प्रकार के मूर्छापन आ जाता है और हम बेहोशी में चले जाते, नींद प्रॉपरली नहीं। इसीलिए जब उसी का पावर ख़त्म हो जाता जगते तो वो जो तनाव को वो तनाव ही रखता, लेकिन जब नेचुरल निद्रा जो स्लीप है, नेचुरल स्लीप से जो ऊर्जा नेचुरली मिलता हमको, थकान के साथ हम सो जाते, ये हमको एक दिन भी निद्रा हुआ है नेचुरली तो ये एक्सपीरियंस सबके साथ ये स्वाद मिला है कि थकान के साथ हम तो सो जाते हैं लेकिन जब नींद से जगते तो थकान गायब हो जाता है, पूरा ताज़ापन मिलता है, ऊर्जा बढ़ होके हम उठते, तो ये नेचुरली होता है। और ये जो टेक्निक है प्राणायाम में, धामरी प्राणायाम, ये खास करके हम उसी सेंटर को ही जगाता, सेरेब्रल एरिया के ओर ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की फ्लो मिलता इसी टेक्निक से। मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग में अगर नीचे की जो है उधर टैप सारे खुला है तो ऊपर का फ्लो बंद हो जाता, फोर्स उतना नहीं जाता और ऊपर को अगर पानी पहुंचाना है तो आइदर मोटर चलाओ नहीं तो सारे नीचे के टैप सारे बंद कर देंगे तो ऊपर का फ्लो शुरू हो जाएगा, या मोटर के साथ फोर्स के साथ भेजेंगे तब जाके पहुँच सकता है। इसी प्राणायाम के साथ कुछ क्रियाएं भी जोड़ के किया जाता, एक तो सम्मुखी क्रिया में अंगूठा को कान में लगा देते हैं, तर्जनी उंगली इंडेक्स फिंगर को आँख के ऊपर लगाते हैं, मध्यमा मिडिल फिंगर को नाक के ऊपर और रिंग फिंगर को ऊपर के लिप्स में और लिटिल फिंगर को नीचे, ये जो मुद्रा है, या माउथ के ऊपर ये दो फिंगर को मानो, तो ये जो मुद्रा है इसी को योनि मुद्रा भी कहा जाता, सन्मुख मुद्रा भी कहा जाता। तो जितने ओपनिंग्स है उसी जिसके माध्यम से हम बाहर दुनिया में शब्द स्पर्श रूप रस गंध की ओर चलते हैं, इसी को हम क्लोज करते हैं इसी मुद्रा के द्वारा। तो ये मुद्रा का ही उद्देश्य है प्रत्याहार को अपना। प्रत्याहार 8 स्टेप योगा में प्रत्याहार भी एक स्टेप है जो कि प्राणायाम के तुरंत बाद ही प्रत्याहार फलित होता है। प्राणायाम में परफेक्शन जब आ जाता, प्राणायाम में विकास जब होता तो ये प्रत्याहार अपने आप परछाई जैसा फलो करता। तो आफ्टर प्राणायाम प्रत्याहार अपने आप फलित होता। तो बहिर्गमन की यात्रा आउटवर्ड जो हमारा जर्नी हो रहा है हमेशा व्यवहार में, जब चाहते तो दूसरों को मिलते, दूसरों को सुनाते, दूसरों से सुनते, ये सब होता, तो शब्द स्पर्श रूप रस गंध की संग करते विक्षेप में चले जाते हैं।
विक्षेप में चले जाते हैं, और विक्षेप में जाते हैं तो जब भी वस्तु का संग करते हैं, दूसरों का संग करते हैं, तो अपने से ऊर्जा दूसरों को मिलता, मतलब विषय की ओर चले जाता, तो ऊर्जा उलझ जाने के कारण ऊर्जाहीन हो जाते, थकान मिलता, ये होता। लेकिन जब प्रत्याहार फलित होता तो बहिर्गमन की यात्रा खत्म होता, तो मन भी एकाग्र हो जाता, फोकस्ड हो जाता, वन पॉइंटेड हो जाता, तो एक एकाग्रता कंसेंट्रेशन, प्रत्याहार के बाद कंसेंट्रेशन का डेवलप, कंसेंट्रेशन मेडिटेशन और सुप्रीम हार्मनी समाधि जो है, ये तीनों में डिग्री का फर्क है। कंसेंट्रेशन तक अगर हम पहुंच गए तो कहा जाता है, कंसेंट्रेशन को ऐसा समझाया है, मन इतना विक्षेप है कि फ्रैक्शन ऑफ सेकंड भी एक जगह में टिकता नहीं, इतना वेगवान है, इतना मैंने काबू में लाने मन मुश्किल है। तो ऐसा मन को अगर हम फोकस करके किसी एक पॉइंट में 12 सेकंड के लिए अगर रुक लिया तो उसी को वन कंसेंट्रेशन बोला जाता है। 12 सेकंड के लिए अगर किसी एक बिंदु पर मन टिक गया, रुक गया, ठहर गया, तो उसी को वन मिनट ऑफ कंसेंट्रेशन बोला जाता है। ऐसा 12 मिनट ऑफ कंसेंट्रेशन एक साथ अगर हो गया, 12 × 12 सेकंड अगर एक जगह में ठहर गया, तो उसको वन मेडिटेशन का, और मेडिटेशन का 12 टाइम्स अगर हो गया तो एक प्रकार के समाधि बन गया, समाधि बन गया, ऐसा बताते हैं। तो इसी में डिग्री का फर्क है, सबसे छोटा हिस्सा को हम कंसंट्रेशन बोल रहे हैं और सबसे बड़ा हिस्सा को हम समाधि बोल रहे हैं, और जो मीडियम हिस्सा है उसी को हम मेडिटेशन बोल रहे हैं। तो अभी जितने भी प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम का अलग अलग इफेक्ट्स है, अभी खास करके इसी प्राणायाम के साथ सेरेब्रल एरिया में ऊर्जा की फ्लो, तो करते वक्त ये जो मुद्रा करके हम करते, मुद्रा का कॉन्सेप्ट को अगर समझ लिया तो मुद्रा का जरूरत नहीं है। आँख बंद करने के लिए नेचुरली पलक है, तो पलक बंद करके रख लिया तो आँख बंद रहा, दोनों होठों को मिला के रख लिया तो मुख भी बंद रहा, अभी नाक से तो सांस चलाएंगे ही, बाहर का आवाज अगर विक्षेप का कारण बन रहा है तो आवाज से विक्षेप को दूर करने के लिए, आवाज बाहर का नहीं सुनने के लिए खाली दो उंगली को प्लग करके रख सकते, कान को केवल बंद करके रख सकते, आंखें बंद, ध्यान लगाएंगे मस्तिष्क के साथ, सांस गहरा लेंगे और रेचन के साथ ही धामरी प्राणायाम करेंगे। लेना और छोड़ना दोनों टाइम में भ्रामरी का अभ्यास किया जाता है, लेकिन वो एडवांस स्टेज में करते हैं, उसी को अगर फास्ट में हम दोहराएंगे तो तनाव में आ जाएंगे, इसलिए केवल रेचन के साथ ही भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, जो कि सबके लिए सुटेबल है। तो भ्रामरी प्राणायाम रेचन के साथ ही करेंगे, अर्थात एक्जेलेशन के साथ ही भ्रामरी को दोहराएंगे, ध्यान लगाएंगे मस्तिष्क की दिशा में, आँख बंद रखेंगे, मुख बंद रखेंगे, दांतों की स्थिति नेचुरल, जब भी मुख बंद रखते तो दोनों पंक्तियां दांतों में हल्का सा फसला रहता है, जीवा को शिथिल रखेंगे, ढीला रखेंगे, ध्यान लगाएंगे मस्तिष्क की दिशा में, सांस गहरा भरेंगे, दोनों कान को प्लग करके रखेंगे, और जब मुंह में हम हवा रुक के भर के गुब्बारा जैसा करते तो उसी का प्रेशर कान की ओर आता, कान की ओर आता, हवा की थोड़ा सा प्रेशर आता कान की ओर, और आवाज करेंगे तो भी कान की ओर थोड़ा सा आवाज मिलता, तो हल्का सा वाइब्रेशन कान की ओर नाक की ओर मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा वाइब्रेशन को उधर पहुंचाना है। तो रेचन के समय एक स्पेशल टेक्निक के साथ हल्का जर्क के साथ स्टार्ट देंगे तो पूरा डायरेक्टली सेरेब्रल एरिया, पूरा डायरेक्ट वाइब्रेशन आपका सेरेब्रल एरिया में ही पहुंच जाएगा। तो ऐसा स्टार्ट देते हुए हम कंटिन्यूअस स्पीच के साथ रेचन क्रिया करेंगे, स्टार्ट देने के बाद पूरा इसी को कंटिन्यूअस फ्लो चालू करेंगे, पूरा एक सांस खत्म हो गया फिर दोबारा सांस भर लेंगे, दूसरी बार फिर दोहराएंगे, ऐसा 3 बार अभी करेंगे, कमर गर्दन मस्तक सिर, आंखें बंद, मुख बंद, दो
हम क्या दांतों को नेचुरल रखना है, हल्का फासला, जीवा शिथिल रखिए, ध्यान मस्तिष्क की हिस्सा में, कान को प्लग करके रखिए, सांस गहरा कर लीजिए, स्टार्ट। और एक बार गहरा सांस अंदर, स्टार्ट। जेंटल पिच के साथ इसी को दोहराना है बार बार, तो वाइब्रेशन इसी एरिया में ज्यादा मिलेगा, अपना आवाज ही खुद को ही ज्यादा सुनाई पड़ेगा, हल्का सा वाइब्रेशन कान की ओर नाक की ओर मिलेगा, लेकिन ज्यादा से ज्यादा इधर पहुंचाने के लिए जब स्टार्ट दे रहे तो हर हल्का जग के साथ स्टार्ट देंगे और कंटिन्यूस पिच के साथ इसको कंटिन्यू करेंगे। इसी को लगातार 20-30 टाइम्स आप दोहरा सकते और तो आपका उस सेंटर एक्टिव हो जाएगा और नेचुरल सिक्रेशन शुरू हो जाएगा, तो फिर नेचुरल नींद भी आने लगेगा। इसी को सोने से पहले अपना सकते हैं। जब सोने से पहले हम एडवाइस करते हैं तो तुरंत ही एक सवाल आ जाता, तो क्या भोजन के बाद प्राणायाम किया जाता, आसन किया जाता? एक आसन है भोजन के तुरंत बाद करने का है, वज्रासन। वज्रासन में जब भोजन करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा भोजन हजम करने के लिए ऊर्जा का जरूरी होता डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, तो भोजन के तुरंत बाद हम बिजनेस में चले गए, चलना फिरना शुरू कर दिए, किसी के न्यूज़पेपर पढ़ने लगा, टीवी देखने लगा, दूसरों को बात करने लगे, तो ऊर्जा बिखर जाता और प्रॉपर हजम नहीं। पहले पुराना जमाने में एक सिस्टम था कि भोजन के बाद कम से कम 21 सांस तक बात नहीं करते, 21 सांस जाने तक बात नहीं करते थे, साइलेंट रहते थे। तो इसी को वज्रासन के साथ आप बैठ सकते चुप थोड़ा, और कम से कम 21 सांस तक। 21 सांस के मतलब अगर नेचुरल ब्रेथ चल रहा है कि मतलब हर ब्रेथ 15 सेकेंड्स लगता, अगर स्लो लॉन्ग डीप प्रोसेस में कर रहे हैं तो चार ब्रेथ में एक मिनट हो जाता है, तो 5 मिनट कम से कम बैठना है साइलेंट। तो अपना ऊर्जा जो मिलना चाहिए डाइजेस्टिव सिस्टम में मिलेगा कम से कम। और पहले भोजन के बाद एक तो साइलेंट बैठते थे थोड़े देर और थोड़ा लेटते थे शरीर का आलसी दूर करने के लिए, और लेटना भी थोड़े देर के लिए फ्लैट लेटे थे और लट करवट में थोड़ा सा कुछ देर के लिए लेटते थे, तो राइट चलन चलता। तो राइट है हमारा सूर्य नाड़ी, सूर्य नाड़ी को चालू रख भोजन के बाद तो हजम डाइजेशन ठीक से होता है। तो इसी को भोजन के बाद करने के लिए जब बोलते तो तुरंत ही ये सवाल आता कि भोजन के बाद क्या आसन प्राणायाम किया जाता। तो एक ही आसन है वज्रासन, भोजन के तुरंत बाद आप 10-15 मिनट के लिए बैठ सकते हैं। नेक्स्ट प्राणायाम है, इसी को योगिक लिविंग स्टाइल में रात की जो भोजन और निद्रा में क्या टाइम गैप होना चाहिए। अगर एक दिन भी शिवानंद आश्रम कोई बिताया है शिवानंद आश्रम में जाके, तो आश्रम का जो लिविंग स्टाइल है उसी में हमको शाम को 7 बजे, अभी विंटर में 6:30 बजे भोजन मिल जाता, सफर हो जाता, और रात के जो भोजन है वैरायटी नहीं, बहुत इजीली डाइजेस्टेड। पहले खिचड़ी
और मूंग दाल जो छिलके वाले, मूंग दाल और चपाती, इतना ही बनता था। आजकल गेस्ट को थोड़ा ध्यान में रखते हुए सब्जी बनाना शुरू कर दिए, तो आजकल तो सब्जी भी मिलता, तो इजीली डाइजेस्टेबल डोज लेंगे। और वो भी भोजन और निद्रा 7 बजे मिल जाता, 7:30 बजे तक भोजन खत्म हो जाता और 7:30 बजे से सत्संग शुरू हो जाता, भजन कीर्तन सत्संग 9:30 बजे तक 2 घंटा, और आलती खत्म होते होते 10 बजे जाता बेड को पहुँचते, लगभग 2-2.5 घंटे की फासला मिल जाता। तो 2-2.5 घंटा में अगर लाइट भोजन लिया है रात को तो कोई लोड ही नहीं रहा, तो सोते वक्त अपना बेड में इसी को बैठ के 20-30 times दोहराना, ये प्राणायाम। तो सुबह सुबह अगर 10 बजे सोओगे, पेट में लोड नहीं है तो आलसी भी नहीं रहेगा, 4 बजे नींद ही खुल जाएगा अपने आप और मौसम भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन रात को वैरायटी खाएंगे, विरोध भोजन खाएंगे तो इजीली डाइजेस्ट नहीं होगा। और रात को जब सोना भी वो लेफ्ट करवट में सोएंगे, उससे बैक सोएंगे बाद में लेफ्ट करवट में लेटते हुए, क्योंकि रात को कोई घुमा फिरी नहीं होता, कोई शारीरिक श्रम नहीं होता या सूरज का रोशनी भी नहीं होता, तो उसी टाइम में सूर्य नाड़ी को चालू रख के अगर सो जाएंगे तो डाइजेशन भी प्रॉपरली होगा। एक तो इजीली डाइजेस्टेबल डोज लेना है, और योगिक के डोज के मतलब थोड़ा सा भूख होते हुए खाना बंद करना है, स्वाद के कारण जरूरत से ज़्यादा लोड डाल गया तो ओवर ईटिंग हो गया, तो जरूरत से ज़्यादा खाएंगे भी तो इनडाइजेशन होगा, प्रॉपरली हजम नहीं होगा। एक तो इजीली डाइजेस्टेबल और दूसरा है थोड़ा सा भूख होते हुए खाना बंद करना, जो योगिक डाइट में जो बताते हैं कि जो बिल्कुल भोजन नहीं करते उनके लिए भी योग नहीं है, और जो खाते रहते उनके लिए भी योग नहीं है, जो सोते रहते उनके लिए भी योग नहीं है, जो जागते रहते उनके लिए भी योग है। यही मिडिल पाथ है, मिडिल पाथ। और अपना स्टमक का जो कैपेसिटी है, मैंने सात्विक डोज कैसा होना चाहिए वो बताते हैं योगिक डाइट डोज, तो उसी को मानो 4 हिस्सा में मान दो, हाफ ऑफ द स्टमक सॉलिड फूड, रोटी चावल सब्जी जो सॉलिड फूड का हिस्सा, बाकी 1/4 पानी लिक्विड, और 1/4 को क्या करना है। तो इसलिए इसी का अंदाजा लगाना है, तो आप बस भोजन थोड़ा सा खाने के लिए इच्छा है खाना बंद कर दो तो डाइजेशन प्रॉपरली मिलेगा। और हंगर इज द बेस्ट सोर्स फॉर, भूख है आप खिलाएंगे तो जो स्वाद है, भूख नहीं है जितना भी राजभोग खिलाओ ये स्वाद नहीं मिलने वाला। तो अभी ये प्राणायाम का समझ लेने के बाद अभी जो भी किए है उसी को थोड़ा दोहराएंगे। अच्छा, नाड़ी शोधन का कुंभक पाठ को थोड़ा सा करके फिर कपाल भाती थोड़ा सा आशीर्वाद। नाड़ी शोधन में कल हम चंद्र नाड़ी शोधन, सूर्य नाड़ी शोधन समझ लेने के लिए अलग अलग करके किए, और उसी स्टेप में ही आप 1:2 रेशियो में सिस्टम को ट्रेन कर सकते हैं। अभी उसी स्टेप को थोड़ा सा दोहराएंगे रेशियो के साथ, मैं काउंट देना शुरू करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5 काउंट में सांस भर लेंगे, 10 काउंट में सांस को रिलीज कर लेंगे सीधा बैठे, और अपना राइट हैंड से प्राणायाम का मुद्रा अपनाइए, लेफ्ट हैंड चिन मुद्रा के साथ घुटना के ऊपर रखिए, लेफ्ट घुटना के ऊपर, राइट अंगूठा से राइट तरफ बंद रखिए, आंखें बंद, कंधा ढीला रखिए, गर्दन ढीला रखिए, फेस रिलैक्स रखिए, मेरुदंड सीधा रखिए, अभी राइट तरफ बंद रखिए, लेफ्ट से सांस अंदर लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट बंद करके राइट से निकालिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट से अंदर 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट से बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, और एक बार लेफ्ट से अंदर 1, 2, 3, 4, 5, राइट से बाहर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, फिर राइट से अंदर 1, 2, 3, 4, 5, लेफ्ट से बाहर 1,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Right Sangha. 1, 2, 3, 4, 5. Left Sangha. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Release. इसे 1:2 रेशियो में सिस्टम को ट्रेन करना है और इसी में अभ्यास शुरू करेंगे तो उस दिन में अपने आप ही बड़े इजीली कर सकते हैं इसे विदाउट होल्डिंग 1:2 रेशियो में सिस्टम ट्रेन हो गया तो आगे के सारे स्टेप में इसी रेशियो को मेंटेन करना है। आगे की स्टेप है हम चंद्र भेद और सूर्य भेद अलग अलग समझ लेने के लिए किए थे। अगर किसी का हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिडिटी को कंट्रोल करने के लिए एक तो चंद्र भेद से लाभ ले सकते हैं। शीतली शीतकारी में अगर पोल्यूटेड एरिया है तो करना मुश्किल, माउथ ब्रीदिंग करते हैं, इसीलिए चंद्र भेद से आप किसी का लाभ ले सकते हैं। चंद्र भेद में कूलिंग सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो हाइपर एसिडिटी जिनका है, स्ट्रेस टेंशन की स्थिति में आप स्ट्रेस टेंशन को काम डाउन कर सकते हैं। चंद्र भेद की प्राणायाम को रिपीटेडली कर सकते हैं। लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ दिया, लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ दिया, ये। और जिनका डिप्रेशन है उनको थोड़ा सा मैंने एक्सट्रोवर्ट बनाने के लिए, डायनामिक बनाने के लिए सूर्य भेद को उनको ज़्यादा देना होगा, तो अपना राइट चैनल को एक्टिव बनाने के, तो एक्सट्रोवर्ट बनाने के, तो राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, इसको भी 1:2 रेशियो के साथ कर सकते हैं। और इसी का दोनों का मिलावट है अनुलोम विलोम, जिससे बहुत ज़्यादा बैलेंस आ जाता है जल्दी से। तो दोनों में लेफ्ट से लिया राइट से छोड़ दिया, राइट से लिया लेफ्ट से छोड़ दिया, इसी को कंटिन्यूसली चालू रखेंगे। स्टार्ट देंगे लेफ्ट से, क्लोज होगा भी लेफ्ट से, ग्राउंड फ्लोर पूरा होगा लेफ्ट से, तो उसी को लगातार 10-12 टाइम्स करेंगे। 1 मानेंगे लेफ्ट से लेंगे राइट से छोड़ेंगे, राइट से लेंगे लेफ्ट से छोड़ेंगे, इसी को ओवर करेंगे। ऐसा 10-12 टाइम्स करेंगे तो 1 साइकिल बनेगा। उसी को 10-15 मिनट का अभ्यास अगर रेगुलर करेंगे तो प्राणिक बैलेंस बहुत आसानी से आ जाता है। और इसी को सुबह शाम 2 टाइम भी ले सकते हैं, बड़े जल्दी से जल्दी प्राणिक बैलेंस आ जाता है। और जितने भी हमारा हेल्थ प्रॉब्लम है, केवल शारीरिक नहीं है या केवल मानसिक नहीं है, साइकोसोमैटिक बोलते हैं, शरीर मन दोनों का है। और शरीर मन का बीच में है ब्रिज जैसा काम करता है अपना प्राण तत्व, प्राण तत्व। इसलिए जो प्राण है, प्राण का एक छोर मन से जुड़े हुए है सूक्ष्म मन से, दूसरी छोर स्थूल शरीर के साथ। तो स्थूल शरीर और सूक्ष्म मन के बीच में प्राण ब्रिज जैसा काम करता है। और प्राणायाम के द्वारा जब प्राणिक बैलेंस बैठ जाता, अनुलोम विलोम में या नाड़ी शोधन की जो स्टेप अपनाते, प्राणिक बैलेंस बड़े आसानी से मिलता है। और प्राणिक बैलेंस मिलने के साथ साथ शरीर का हर सिस्टम में बैलेंस बैठना शुरू हो जाता है। तो बड़े आसानी से अगर हम आसन भी करने के लिए टाइम नहीं दे पा रहे हैं, प्राणायाम को भी अगर सिंसियरली हम नियम पूर्वक अपनाएंगे तो भी प्राणिक बैलेंस आसानी से मिलेगा। और प्राणिक बैलेंस मिलने के साथ साथ एक हारमोनियस लाइफ हमको आसानी से समर्थन योग होनी चाहिए, हारमोनियस कर्म योग, तो हारमोनियस लाइफ हमको मिल जाएगा। तो सारे सिस्टम में बैलेंस, ग्लैंडुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, हर सिस्टम में बैलेंस बैठना शुरू हो जाए। तो अभी अनुलोम विलोम को भी 1:2 रेशियो के साथ अल्टरनेट नेस्टर को 3 राउंड अभी दो